अगर हम घर जाकर सोचे तो एक रोशन मोहब्बत भरा मुस्तकबिल बाहें खोलकर हमारा इंतजार कर रहा है, मगर फिर भी अपूर का क्या, इसके लोगों का क्या, उन उम्मीदों उन हसरतों का क्या जिनको अधूरा ना छोड़ने का वादा शामिल ने किया था। तुम ये क्या कह रहे हो बख्तियार? वही जो तुम्हारा दिल भी कह रहा है। जब हम दोनों को अपनी मंजिल अपनी आंखों के सामने खड़ी नजर आ रही है, मैं नहीं जानता हूं कि किस दिल से मैं तुमसे दरख्वास्त करने जा रहा हूं। वापस चलो जा रहा, शामिल की कुर्बानी जाया मत होने दो। उसका मिशन हमारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है। देखा है फिर भाई का निशाना? तुमने फिर मुझे धोखा दिया सुलेखा, क्यों दगा किया है मेरे साथ? मैंने कोई दगा नहीं किया, बल्कि एक जुल्म करने से बचा लिया आपको। बचा लिया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया बेवकूफ औरत। बताओ क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे डर लग रहा है, जब से मां बनने की खबर मिली है मुझे खौफ आ रहा है। क्या अगर मेरा बेटा हुआ तो क्या वो भी इस गद्दी की खातिर अपने भाइयों के खून का प्यासा होगा, उनके खून से अपने हाथ लाल कर देगा? या अगर बेटी हुई तो क्या वो भी बादशाह बेगम की रस्म की भेंट चला दी जाएगी, इस हवेली में सारी उम्र कैद भुगतेगी? बकवास बंद करो सुलेखा, शायद हो तुम्हें कुछ नहीं पता। बादशाह बेगम होना कितनी इज्जत की बात है, गद्दी पर बैठना कितना बड़ा एहसास है। इज्जत का क्या फायदा जो इंसान को सांस तक ना लेने दे? ऐसे एजाज का क्या फायदा जो अपनों को अपनों के खिलाफ कर दे? बताएं मुझे, जवाब दे। दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ। लोग अभी तक जहां आ को लेकर नहीं आए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा, बचा क्या है खलीफा साहब? आप शायद भूल रहे हैं कि बादशाह बेगम अब मेरे हाथ में नहीं है। जहां आ को तुमने जुलेखा की गलती की वजह से गंवा दिया, अगर बादशाह बेगम को नहीं। मतलब? अब मजीद रुका नहीं जा सकता। जहां आरा का इंतजार मत करो, मुरीदों ने आज तक बादशाह बेगम की सूरत नहीं देखी, पर हवेली की खादिमाओं को धमका कर चुप कराया जा सकता है। तब तक तुम अपनी गद्दी संभालो और बादशाह बेगम की रस्में रोशन आरा से अदा करवा लो। रोशनी,